ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसे डेसिमोना पर विश्वास करना चाहिए था, ना कि शादी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरा मतलब, आपने अपने दोस्त को भी डांट दिया, उसे बुरा लगा होगा। छोड़िए ये सब, जाने दीजिए। हमें क्या डिस्कस करना है? क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हम हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मैं डेस्टिमोना से बहुत प्यार करता हूँ, पर डरता हूँ कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए। नहीं, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। उसका उस दोस्त से मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्त ही तो है, और कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। अरे ऐसा काम करना ही क्यों, जो आदमी को गलत लगे? तो क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, वो अलग नहीं सोच सकती? या फिर आप जिससे चाहें वो उसी से मिल सकती है? तो इसमें बुराई क्या है, शादी की है। शादी की है ना, खरीदा तो नहीं ना। ओह, तो आप बहस कर रही हैं। मैं तो वैसे भी मैं कैसे भूल सकता हूँ कि बहस करने में आपका कोई जवाब नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको उस लड़के के साथ देखकर मुझे कैसा लगता है? कौन सा लड़का? वही जो लाइब्रेरी में आपको किताबें उठा के दे रहा था। वो तो सच में मेरी मदद ही कर रहा था। आज ही नहीं अक्षर जी, जब भी मैं कॉलेज आया, कभी पेन देने के बहाने, कभी किताब देने के बहाने, क्या वो सभी मदद के लिए? और अगर आप भी यूं मुस्कुरा मुस्कुरा कर थैंक्स बोलेंगे तो उसे तो लगेगा ना कि आप उसे बढ़ावा दे रही हैं। नैतिक जी, मुझे लगता है हमें इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। क्या हुआ? जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो फिर सबका कोई मतलब नहीं। क्या मैं आप लोगों के साथ इसी घर में नहीं रह सकती? मैं आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती। समझती हूँ बेटा, शुरू में सब अजनबी सा लगता है, पर फिर कुछ दिनों बाद वो तुझे इतने अपने लगेंगे कि हम पराए लगने लगेंगे। नहीं दादी, शादी नहीं करना चाहती। अक्षरा, क्या हुआ बेटा? खाना? हाय मुरी मैया, आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी बनाई और आपने तो चखी भी नहीं। अक्षरा बिटिया, कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। डर लग रहा है दादी, शायद मैं शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। नियोता आया है, हम सब लोगों को बुलाया है उन्होंने, दादी माँ को भी, हम सबको, आपकी ससुराल वालों ने। नहीं धनिया, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। प्यार में लो क्या क्या करना पड़ता है, घर में एक सीढ़ी नहीं चढ़ता, अभी ये खम्मा चढ़ गया। स्पाइडर मैन है तू। हाय अक्षरा जी, गुफे में न जाने मैंने आपसे क्या क्या कह दिया, आपका दिल भी दुखाया। मैं तो बस यही कहना चाहता था कि मुझसे गलती हो गई। आप हमेशा मेरे सपनों में आकर मीठी मीठी बातें करते हैं, जब सामने आते हैं ना तो लड़ने लग जाते हैं। जी मैं सपना नहीं हकीकत हूं, आप चूके देखिए। आप दरवाजे से नहीं आए? जी टेरेस से आए हैं। लेकिन क्यों?
क्योंकि आपका दरबान बैठा था ना दरवाजे पर, तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। आप नहीं समझेंगी। क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि मैं नहीं जाता कि लड़कियां क्या सोचती हैं। जो लड़के सोचते हैं वो बता दीजिए। उसी की वजह से तो ये सब गड़बड़ हुई है। आप बताइए तो सही। वो मैं आपसे जी आपसे माफी मांगने आया था। चल यार नैतिक, जल्दी चल, चादर भी बांधी हूँ, भोला आ जाएगा। नहीं, मुझे सुनना है कि ये मानी या नहीं। अरे अरे मरवाएगा क्या यार, चल कम ऑन मोहित। अक्षय जी बताइए ना, मानी या नहीं। चल नैतिक जल्दी चल। दीदी आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं। बताइए ना आप, प्लीज जाइए, जल्दी जाइए, आप यहाँ से भोला भैया आ जाएंगे, प्लीज। अक्षय दीदी तुझे बहुत अच्छा लगा वो घर? बहुत बड़ी माँ, सच जैसे सपनों का महल हो। तू रहेगी वहां पर अक्षरा दीदी के साथ? जैसे जैसे गोपी दादी आई थी माँ के साथ? बड़ी बहू? नहीं नहीं नहीं, अगर ये नहीं चाहती है तो बिल्कुल नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हा? लेकिन सोच धनिया, एक बड़ी उम्र के आदमी से ब्याह करना बेवकूफी है ना। मजबूरी में ब्याह करने से तो अच्छा है तो अपनी अक्षरा दीदी के साथ चली जा। अब ये तो उसे ही तय करना है कि अधेड़ उम्र के आदमी के साथ शादी करेगी या पूरी जिंदगी कुंवारी तेरे ससुराल में निकालेगी। ये रिश्ता